आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गम् कीर्तिम् पुष्टिम् बलम् श्रियम् पशुन् सौख्यम् धनम् धान्यम् प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। जय सियाराम। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र यह कहते हैं कि जो सदग्रस्त पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने पितरों का पूजन करते हैं, उन्हें जीवन में आयु, पुत्र पोत्र आदि, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, सुख साधन और पशुधन तथा स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है। और यदि इसके विपरीत पितर आपसे नाराज हो जाए तो आपको अपने जीवन में नाना प्रकार के दुख यथा बांझपन यानी संतान न होना, संतान होकर के भी संतान के पूर्ण सुख की प्राप्ति न होना, जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना, बहुत प्रकार का प्रयास करने के बावजूद भी सफलता का न मिलना, यश न मिलना, कीर्ति न मिलना, बिना मतलब के झूठे आरोप लगना, अपनी स्किल के हिसाब से जीवन में प्रदर्शन नहीं कर पाना, संबंधों को मेंटेन नहीं रख पाना, मार्केट के अंदर जबान का न रह पाना, इत्यादि सभी प्रकार के दुखों का सामना आपको करना पड़ेगा यदि आपसे पितृ नाराज हैं तो। और इन सभी दुखों से निजात प्राप्त करने का एकमात्र सीधा सरल तरीका, अथवा यूं कहूं तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सीधा और सरल तरीका जो होता है वह है पितृ पूजा। और इसी पितृ पूजा का सबसे उत्तम काल है श्राद्ध पक्ष। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को हम यह श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। इस पितृ पक्ष में हमारे पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि इस महीने में पितरों को यह आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पोत्रादि हमें पिंडदान और तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे, और यही आशा लेकर के वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध मुख्य तिथियों को ही किया जाता है, परंतु तर्पण आप प्रतिदिन कर सकते हैं। रोजाना स्नान के बाद में देवताओं और ऋषियों को जल प्रदान कर आप अपने पितरों को जल प्रदान करके संतुष्ट और पुष्ट कर सकते हैं। बस मित्रों, आपको इस श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष नियम अपनाने हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यह निश्चित मानिए कि आपके पितरों की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति भी आपको होगी, लोक और परलोक में आपका भला होगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी की गई गलतियों की क्षमा अपने बड़ों से मांगता है तो बड़ों के मन में बड़ी खुशी होती है। इसलिए हमें यह संकल्प करना चाहिए पितृपक्ष जो कि अभी भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा, उसी दिन प्रातःकालीन बेला में स्नान ध्यान कर अपने देवताओं का पूजन कर दोपहर काल के अंदर, क्योंकि दोस्तों श्राद्ध के अंदर दोपहर का समय दोहित्र इत्यादि का बहुत महत्व होता है। इसलिए दोपहर के समय में हाथ में जल लेकर के दक्षिणाभिमुख खड़े होकर के अपने पूर्वजों को साक्षी मानते हुए उनसे हाथ जोड़ करके कान पकड़ करके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए अपने समस्त प्रकार के बुरे कर्मों के लिए क्षमा कर देने की प्रार्थना करनी चाहिए और फिर धरती पर नाक रगड़ते हुए उनसे माफी हमें मांगनी चाहिए। दोस्तों निश्चित मानिए, यदि आप अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार के पाप की वजह से ऐसे ग्रसित हो चुके हैं, अथवा पता नहीं क्यों आप अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती, यह जो क्यों है ना, उसका उत्तर आपको यदि आपने पूर्ण मन से श्रद्धा भाव से अगर पितरों से क्षमा मांग ली तो मन की शुद्धि के साथ ही आपको वह सफलता के रास्ते भी नजर आने लगेंगे। इसलिए दोस्तों यह क्रम आपको पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक पूरे 16 दिन करना है। पहले दिन दोपहर में, उसके बाद में आप जब भी पूजन करें उस समय पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने पितरों से, पूर्वजों से, कुल देवी देवताओं से, समस्त प्रकृति से, परमात्मा से, अपने इस जन्म के और पूर्व जन्म के किए गए सभी प्रकार के पाप कर्मों के निवारण के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, उनको माफी प्रदान करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पहला कर्म दोस्तों आपने यह अपनाना है।
इसके अलावा दोस्तों आपने भगवान विष्णु को साक्षी मानते हुए श्री राम जय राम या तो इस मंत्र का अथवा तो राम 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 इस महामंत्र का जाप आपने करना है। यह श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप पूरे दिन के अंदर आधा घंटा सवा घंटा अथवा जितनी आपनी श्रद्धा आप अपने अपनी श्रद्धा विश्वास और शक्ति अनुसार जाप कर सकते हैं। जाप की पूर्णा होती पर हाथ में जल लेकर के आपने प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, यह जो जाप हमने किया है इस जाप का संपूर्ण फल हम अपने पितरों के निमित्त आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हे पालनहार, हे जगत के पालनहार, आप हमारे पितरों को सदगति प्रदान करें। यदि उनकी आत्मा कहीं किसी भी प्रकार से दुखी है तो उन्हें उस दुख से दूर करें, इसके निमित्त हमने यह जाप किया है। पूरी श्रद्धा भाव से आपने जाप करना है और जाप का संपूर्ण फल भगवान विष्णु को साक्षी मानते हुए उनके चरणों में यह कहते हुए अर्पण कर देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, हे पालनहार, आप जिस प्रकार समस्त जगत का पालन कर रहे हैं हमारा भी पालन आप करें और हमारे पितरों को भी हर प्रकार के दुख से निजात दिलाएं। दोस्तों यह नियम आपने पूरे 16 दिन करना है और 16 दिन अर्थात अमावस्या के दिन आपने अपने वजन के बराबर हरा चारा तोल करके अनाथ गायों को खिला देना है और प्रार्थना यह करनी है कि मेरा यह संकल्प पूरा हुआ, इतने दिन का जाप हम भगवान आपको अर्पण करते हैं, यह भोग हे गोमाता हम आपको अर्पण करते हैं, यह भोग हमारे पितर जिस भी लोक में हैं, जिस प्रकार तुष्ट और पुष्ट जिस भोजन से हो सकते हैं उसी भोजन के रूप में उनको प्राप्त हो और उनकी आत्मा को सदगति प्रदान हो, वो हमें सुभाषीष प्रदान करे। ऐसा करके इस अनुष्ठान को आपने पूर्ण करना है। मित्रों विशेष नियम इस श्राद्ध पर्व में आपने जो रखना है वो सबसे पहला है कि आपने क्षौर क्रम अर्थात शेविंग नहीं बनानी है, कटिंग नहीं करना है, बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है। दूसरा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है, पति पत्नी दोनों को संयमित रहते हुए, क्योंकि इस पक्ष के अंदर साक्षात पितृ लोक से सभी पितृ हमारी धरती पे आए हुए होते हैं, तो पूर्ण श्रद्धा से शुद्धता से आपको अपने जीवन का आचरण पालन करना है। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना उठना बैठना बोलना चालना सब शास्त्र के अनुकूल रखना है और एक ऐसी मर्यादा से अपने आप को रहना है जैसे साक्षात आपके पिताजी आपको देख रहे हो। जैसे एक पिता के सामने एक पितृ का अच्छा व्यवहार होता है ठीक वैसा ही व्यवहार आपको 24 घंटे करना है। कोशिश करनी है, प्रार्थना करनी है कि नींद में भी आपके तन मन धन द्वारा पितरों के प्रति अपने पूर्वजों के प्रति किसी प्रकार का कोई अनादर प्रकट ना हो। इसके अलावा मित्रों आपने जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन हो सके तो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को बुला करके पूर्ण नियम से आपको श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन मैं केवल इतना निवेदन जरूर करूंगा जिस भी दिन आप श्राद्ध करते हो उस दिन अपने भोजन से पहले 5 व्यक्तियों को भोजन जरूर करवाएं। ये कौन कौन है? सबसे पहले आपको गौ माता को भोजन करवाना है। जिस भोजन से गौ माता राजी होती है वह भोजन उन्हें प्रदान करें, उन्हें खुश करें। दूसरा भोजन आपने कुत्ते को करवाना है, तीसरा भोजन आपने करवाना है कौवे को और चौथा भोजन आपने करवाना है देवताओं को। दोस्तों आप पूछेंगे कि देवताओं को भोजन, तो सामान्य जैसे मूर्ति के भोग लगाते हैं वह भी आपको करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा कि हमारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके माता पिता आपके देवता हैं, आचार्य आपके देवता हैं और अतिथि आपके देवता है। इनमें से किसी को भी साक्षात देव मानते हुए, और हाँ हमारे शास्त्र ब्राह्मण देव को भी भूदेव यानी धरती का देवता कहते हैं, तो इन पांचों में से किसी को भी पूर्ण श्रद्धा भाव से आपने भोजन करवाना है। मैं तो ये निवेदन करूंगा मित्रों जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने माता पिता को भोजन करवा के खुद भोजन पाता है और उनकी राजी में रजा उनकी रजा में ही राजी रहता है, मित्रों ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद उसको प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार पांचवा भोजन आपने करवाना है चींटियों को और 5 थाली 5 प्रकार के भोजन करवाने के बाद में आपको भोजन करना चाहिए। यह श्राद्ध में विशेष नियम है, जिस दिन आप श्राद्ध करें उस दिन यह नियम मानना है। अन्य दिनों में वो जाप इत्यादि का कर्म रहन सहन का आपने कर्म पूरा करना है। पूरे श्रद्धा भाव से यदि आपने इस प्रकार व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनसे अपने द्वारा किए गए कर्मों
पाप कर्मों की क्षमा की याचना की, देवताओं से आशीर्वाद मांगा और भगवान विष्णु से अपने पितरों को लिए सदगति प्रदान करने की प्रार्थना की। तो मित्रों, पक्का मानना, इस श्राद्ध के बाद में आपके जीवन में कुछ चमत्कार घटित होंगे। आप अपनी स्किल के हिसाब से प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, रिश्तों को मेंटेन करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, आपकी जबान बिल्कुल ठोस पर्वत की तरह अडिग हो जाएगी, बहुत प्रकार के सुख की प्राप्ति आपको होगी। क्योंकि हमारा शास्त्र यही कहता है कि जो व्यक्ति पितृ का ठीक ढंग से पूजन और तर्पण करता है उसे पिता द्वारा सर्व सुख प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि पिता और माता से बढ़कर ऐसा संसार में कौन है जो आपको सब प्रकार के सुख प्रदान न करे। यानी सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदान करने, यदि माता पिता के हाथ में आपके भविष्य लिखने की कलम होती तो जीवन में कभी भी आप दुख नहीं प्राप्त करते। इसलिए आज अपने भाग्य को दोबारा बनाने का समय है। इस श्राद्ध पक्ष में पूरे श्रद्धा भाव से ऐसा आप करें, जीवन में अवश्य आपको लाभ होगा। जय सियाराम, जय हो पितृदेवता।